Okay, so hey, what's up everybody, welcome back to my channel, you're watching Code with me. And guys, आज का अपना टॉपिक as you know, डमी वेरिएबल्स. सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डमी वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड हम लोग उसको क्यों यूज़ करते हैं एंड क्या ट्रैप जो है वो डमी वेरिएबल्स हम लोग के लिए क्रिएट करते हैं वाइल परफॉर्मिंग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एंड हाउ टू अवॉइड दैट ट्रैप. ओके, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखते रहना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट चीज़. एंड अगर इसके पहले आप लोग ने मेरी प्रीवियस वीडियो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूजिंग पाइथन अगर नहीं देखी रहेगी तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि वो देखिए, क्योंकि जो डेटा सेट है वो हाईली रिलेटेड है एंड ऑल्सो द टेक काइंड ऑफ कोडिंग वी आर डूइंग इज ऑल्सो रिलेटेड. ओके, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज मैं ऐसे क्लाउड कंप्यूटिंग एंड वेब डेवलपमेंट एज वेल एज डेटा साइंस पर वीडियो बनाता हूँ. सो यू विल स्टे अपडेटेड विद द न्यू वीडियोज एज वेल एज टेक्नोलॉजीज. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. ओके, सो गाइज, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मैंने पीपीटी क्रिएट किया हुआ है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो सबसे पहले पता करते हैं कि डमी वेरिएबल्स क्या होता है. सो डमी वेरिएबल एक नॉर्मल वेरिएबल है, जैसे कि वेरिएबल्स होते हैं इक्वेशंस में एक्स एंड वाई काइंड ऑफ दैट. बट एक्स एंड बट डिफरेंस क्या है कि डमी वेरिएबल सिर्फ दो वैल्यू ले सकता है, इधर जीरो इधर वन. ओके, सो ये वैल्यूज़ के लिए भी कुछ कंडीशंस है. तो डमी वेरिएबल वन वैल्यू जब कभी लेता है तो जब भी कैटेगरिकल वेरिएबल प्रेजेंट होता है डेटा में. एंड डमी वेरिएबल जीरो जब भी होता है जब भी कैटेगरिकल वेरिएबल एब्सेंट होता है डेटा में. ओके, सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज आई विल रिप्रेजेंट नाउ. ओके, सो सपोज हम लोग के पास एक डेटा सेट है एंड नाउ इग्नोर द वैल्यूज विच आर देयर लाइक सम रबिश वैल्यूज लाइक 5000 एंड 3000 ऑल ऑफ दिस इग्नोर दैट बट जस्ट फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा सेट. सो यहाँ पे ये जो कंपनीज के स्पेंड है लाइक डेवलपमेंट में कंपनी ने कितना पैसा खर्च किया है, मार्केटिंग में कितना पैसा खर्च किया है एंड कौन से स्टेट में कंपनी लोकेटेड है एंड कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे मैंशन की हुई है. सो चीज़ ऐसी है कि ये जो प्रॉफिट है ये डिपेंड है ये तीनों के ऊपर. तो ये तीनों हो गए हम लोग के इंडिपेंडेंट, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है. बट ये जो प्रॉफिट है ना ये तीनों के ऊपर डिपेंडेंट कि डेवलपमेंट में कितना स्पेंड किया आपने, मार्केटिंग में कितना स्पेंड किया और कंपनी कहाँ पे लाई करती है कौन से स्टेट में. सो उसके ऊपर डिपेंड है कि उसका प्रॉफिट कितना होगा. तो हम लोग को ये डेटा सेट पे हम लोग का मॉडल ट्रेन करना है. ओके, सो हम लोग का इक्वेशन क्या बनेगा. एज यू ऑल नो द इक्वेशन फॉर द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इज दिस, ये इक्वेशन है. तो बी वन टाइम्स ऑफ डेवलपमेंट, बी टू मार्केटिंग, बी थ्री टाइम्स ऑफ स्टेट. ओके, एंड एज यू नो बी नॉट इज वाई इंटरसेप्ट एंड बी वन बी टू एंड बी थ्री ये हम लोग के कोएफिशिएंट्स होते हैं जो रिलेशन रिलेट करते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड डेवलपमेंट दोनों कितने कोरिलेटेड है ये बी वन रिप्रेजेंट करता है. सिमिलर फॉर ऑल बोथ ऑफ देम लाइक मार्केटिंग एंड स्टेट. ओके, सो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई अभी स्टेट है यहाँ पे, तो ये स्टेट को थोड़ी आप यहाँ पे इक्वेशन में महाराष्ट्र लिखोगे या फिर गुजरात लिखोगे, राइट. इस बात का कोई सेंस नहीं बनता, दिस इज़ इलॉजिकल. सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टेट है दिस इज़ इन वर्ड फॉर्म, तो हम लोग को इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना होगा, राइट. सो न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डमी वेरिएबल्स. यहाँ पे डमी वेरिएबल्स कम्स इनटू द पिक्चर. सो इट हेल्प्स अस, ये हम लोग को हेल्प करता है कि जो ये जो कैटेगरिकल डेटा है इसको, सो मैं पहले बोल रहा था ना कैटेगरिकल डेटा, सो दिस इज़ द कैटेगरिकल डेटा जिसमें कैटेगरी है जैसे महाराष्ट्र एंड गुजरात काइंड ऑफ दैट, देयर कैन बी अदर स्टेट्स ऑल्सो. ओके, सो हम लोग को इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करेंगे, सो लाइक दिस बाय यूजिंग डमी वेरिएबल्स. तो अभी यहाँ पे कैटेगरीज कितने हैं, देखो एक महाराष्ट्र है और सेकंड गुजरात है. तो हम लोग के महाराष्ट्र और गुजरात दोनों के दो कॉलम्स बनेंगे डमी वेरिएबल्स में. ओके, और मैंने बोला था कि जहाँ जहाँ पे कैटेगरिकल डेटा प्रेजेंट होता है वहाँ वहाँ पे वन आता है. तो सपोज अभी महाराष्ट्र का कॉलम कंसिडर करते हैं, तो महाराष्ट्र के कॉल तो सबसे पहले रो में महाराष्ट्र इज अवेलेबल, तो कैटेगरिकल डेटा इज प्रेजेंट, सो आई विल गिव वन. एंड हियर गुजरात, सो कैटेगरिकल डेटा इज एबसेंट, राइट, फॉर केस इन केस ऑफ महाराष्ट्र, हियर इज गुजरात, महाराष्ट्र इज एबसेंट, सो इट विल बी जीरो. सो लाइक दिस. ओके, तो ऐसा हम लोग ये जो डमी वेरिएबल का टेबल है ये क्रिएट कर लेंगे. इसके बाद तो इसके बाद अभी क्या क्या करूँगा मैं, तो हम लोग का डेटा सेट चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे स्टेट जो कॉलम है वो मैंने निकाल दिया है. ओके, सो मैंने इसके जगह पे ये दो कॉलम्स ऐड किए हुए जो कि है एक महाराष्ट्र एंड एक गुजरात. ओके, सो प्रॉब्लम क्या आती है पता है कि यहाँ पे हम लोग को ये दोनों कॉलम्स हम लोग यूज़ नहीं कर सकते. ओके, तो हम लोग को एक कॉलम को हमेशा ओमिट रखना पड़ेगा, इधर आप महाराष्ट्र को निकाल सकते हो या फिर गुजरात को निकाल सकते हो. ओके, सो दिस थिंग्स आर डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कौन सा कॉलम बाहर निकालना है. सो लाइक सपोज मैंने यहाँ से गुजरात को हटा दिया,
सो हम लोग का डेटा सेट फाइनल डेटा सेट बन जाएगा ये। तो हम लोग को ये डेटा सेट यूज़ करना है मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो इसका ट्रैप क्या है ये मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग का इक्वेशन था ये, राइट। तो अगर हम लोग दोनों भी वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे तो हम लोग का इक्वेशन बनेगा b3 टाइम्स ऑफ d1 एंड b4 टाइम्स ऑफ d2, जहाँ पे d1 रहेगा डमी वेरिएबल फॉर फर्स्ट दैट इज़ महाराष्ट्र एंड d2 रहेगा डमी वेरिएबल फॉर सेकंड दैट इज़ गुजरात। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग को पता है कि d2 इज इक्वल टू d1 माइनस 1। सो व्हाट आई मीन बाय दिस कि जहाँ पे गुजरात 1 है वहाँ पे महाराष्ट्र तो 0 ही होगा ना। सो या तो इसका मीनिंग ये है, तो मैं d2 की जगह पे d1 माइनस 1 सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, राइट। सो मैं वही करूँगा, तो d2 की जगह पे मैं d1 माइनस 1 सब्सटीट्यूट करूँगा। अभी ये जो b4 है ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, लाइक b4 विल मल्टीप्लाई d1 एंड b4 विल ऑल्सो मल्टीप्लाई 1। ओके, सो हम लोग का फाइनल इक्वेशन बनेगा ये। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ट्रैप में फंस चुके हो। ओके, क्यों? तो नाउ लुक हियर, ये बन गया आपका एक कॉन्स्टेंट, ये एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये सेकंड कांस्टेंट है, तो इक्वेशन इसको सॉल्व कैसे करेगा? एक नया कांस्टेंट आपने इंट्रोड्यूस कर दिया आपके इक्वेशन में एंड योर मॉडल इज़ डिस्ट्रॉयड। ओके, सो यहाँ पे एरर आ सकता है बहुत सारा और मॉडल ट्रेन प्रॉपरली नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई यू शुड अवॉइड डूइंग दिस एंड यू शुड ओनली इंक्लूड 1 माइनस कॉलम। लाइक सपोज अगर यहाँ पे 3 कॉलम्स बन रहे हैं, 3 कैटेगरिकल, तो आपको उसमें से सिर्फ 2 यूज़ करना है, मतलब माइनस 1। हमेशा एक कोई तो कॉलम को ओमिट करना होता है, ओके, यानी कि उसको अवॉइड करना होता है, ठीक है। सो इसका प्रैक्टिकल पार्ट देख लेते हैं हम लोग। सो गाइज, आई एम यूजिंग गूगल कोलैब फॉर दिस। सो सबसे पहले यहाँ से मैंने फाइल जो है मेरा डेटा सेट जो है मैंने अपलोड कर लिया है। सो आई विल मेंशन द डेटा सेट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। सो यहाँ पे मैंने पहले 2 लाइब्रेरीज इंपोर्ट किया हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ, लाइक इंपोर्ट पैंडास एस पी डी एंड नंपाय एस एन पी। ओके, और इसको मैं रन भी कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट थिंग, सबसे पहले जो हम लोग ने डेटा सेट यहाँ पे अपलोड किया है उसको इंपोर्ट करना है हम लोग को यहाँ पे। सो pd.read_csv। सो ये फंक्शन मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि मेरी जो फाइल है वो csv फॉर्मेट में है, और यहाँ पे मैं फाइल का नेम इंसर्ट करूँगा, लाइक dataset.csv। एंड एक बार प्रिंट स्टेटमेंट भी डाल देता हूँ जस्ट टू चेक कि प्रॉपरली वो इंपोर्ट हुआ है कि नहीं। एंड वी गेट अवर डेटा सेट हियर। तो यहाँ पे आप डेटा सेट देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे जो 4 कॉलम्स है, लाइक डेवलपमेंट, एडमिन एंड मार्केटिंग एंड स्टेट, दीज आर इंडिपेंडेंट एंड प्रॉफिट इज अ डिपेंडेंट। सो हम लोग को इन दोनों को अलग करना पड़ेगा। पहले ये 3 कॉलम्स को एक एक्स में रखेंगे, प्रॉफिट को वाई में रखेंगे। सो यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट, आई होप सो, और अगर नहीं हो तो प्लीज़ गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियोज। सो डेटा सेट डॉट आईलॉक एंड ऑल द रोज़, हम लोग को सभी रोज़ चाहिए। सबसे पहले रोज़ एंटर करने होते हैं एंड फिर कॉलम्स। तो कॉलम्स में हम लोग को लास्ट का कॉलम नहीं चाहिए, सो ऑल एक्सेप्ट द लास्ट वन, सो ऑल एक्सेप्ट माइनस वन डॉट वैल्यूज़, ये हम लोग को इनपुट देना है लाइक दिस। एंड देन वाई विल बी सिमिलर, डेटा सेट डॉट आई लॉक ऑल द रोज़ एंड ओनली द लास्ट कॉलम, सो माइनस वन अगेन डॉट वैल्यूज़। एंड इसके बाद में मैं इन दोनों को प्रिंट फॉर्म प्रिंट स्टेटमेंट में डाल देता हूँ जस्ट टू चेक कि ये प्रॉपरली डिवाइड हुए कि नहीं एक्स एंड वाई में। ओके, एंड नाउ आई विल रन दिस एंड हियर यू कैन सी जो एक्स पार्ट था मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो अलग हो चुके हैं एंड यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल जो है मेरा अलग हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोग की क्या है कि ये जो हम लोग का ये जो डेटा है ये वर्डिंग फॉर्मेट में है, सो इसको मेरे को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है, जिसका मीनिंग हम लोग को इनकोड करना है इसको। सो एनकोड करने के लिए आपको एक लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना है जिसका नाम है कॉलम ट्रांसफॉर्मर। सो फ्रॉम sklearn.compose इम्पोर्ट कॉलम ट्रांसफॉर्मर, आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मर नाम का एक जो है मॉड्यूल उसका इंपोर्ट करना है। गूगल कोलैब विल गिव यू द सजेशंस ऑफ कोर्स। सो ct ऐसे इंपोर्ट करना है आपको, ct इज इक्वल्स टू कॉलम ट्रांसफॉर्मर एंड इसके अंदर आपको कुछ पैरामीटर्स इंसर्ट करने हैं। जैसे सबसे पहला जो पैरामीटर है होगा वो होगा ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसफॉर्मर्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है लाइक दिस एंड इसके अंदर देना है कॉलम। सो आपको सबसे पहले हम लोग यूज़ क्या कर रहे हैं, सो हम लोग वी आर यूजिंग एनकोडर, सो वी विल गिव एनकोडर। एंड हम लोग को और एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट। ओके, यहाँ पे मैंने एक ई एक्स्ट्रा दिया हुआ है। फ्रॉम इम्पोर्ट हम लोग को इम्पोर्ट जो करना है वो है 1 हॉट एनकोडर, सो द नेम विल बी 1 हॉट एनकोडर। ओके, सो 1 हॉट एनकोडर इम्पोर्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग को 1 हॉट एनकोडर मेंशन करना है, क्योंकि हम लोग जो एनकोडर यूज़ कर रहे हैं टू एनकोड अवर डेटा इज दिस वन। ओके, एंड ये हो जाने के बाद हम लोग को यहाँ पे मेंशन करना है कि हम लोग को कौन से कॉलम में ये अप्लाई करना है। नाउ लुक हियर, हम लोग का ये जो कॉलम है ये 4th कॉलम है,
बट द थिंग इज़ पाइथन में जो इंडेक्स है वो जीरो से स्टार्ट होता है. सो ये हो गया जीरो, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, एंड दिस महाराष्ट्र विल बी द स्टेट, कॉलम विल बी द थर्ड. सो वी विल गिव थ्री हीयर. ओके, सो हम लोग का ये रन हो चुका है प्रॉपरली. नाउ नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट हम लोग को देनी है. तो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो है रिमाइंडर. सो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू पास थ्रू. सो ये रिमाइंडर क्या करेगा कि ट्रांसफॉर्मिंग हो जाने के बाद आपको, हम लोग को सिर्फ स्टेट का कॉलम नहीं चाहिए, राइट, हम लोग को ये तीनों कॉलम्स भी चाहिए ना. तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये तीनों कॉलम्स को रिटेन करेगा, डिलीट नहीं करेगा. अगर आप लोग ने पास थ्रू नहीं लिखा है तो सिर्फ इसके इनकोडिंग वाले कॉलम्स ही आपको मिलेंगे और बाकी के तीनों कॉलम्स डिलीट हो जाएंगे. ओके, सो एंटरिंग दिस इज़ मस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो हम लोग का सीटी क्रिएट हो चुका है, तो हम लोग ये सीटी को अभी अप्लाई करेंगे. सो सीटी डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, दोनों भी चीज़ करनी है. ट्रांसफॉर्म किसको हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना है, ऑब्वियसली एक्स को. एंड इसको स्टोर किस में करना है, ऑब्वियसली एक्स में ही स्टोर करना है. तो इसको सबसे पहले रन कर लेते हैं जस्ट टू चेक इफ देयर आर एनी एरर्स. एंड देयर इज एरर एज कॉलम ट्रांसफॉर्म और ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट फिट एंड ट्रांसफॉर्म. ओके, आई फॉरगेट टू गिव द एस हियर. एंड वी विल रन एंड इट गेट्स रन. ओके, तो हम लोग एक बार एक्स को प्रिंट करके चेक करते हैं कि कैसे हो चुका है एनकोड एक्स. एंड यहाँ पे लिटिल प्रॉब्लम हो चुका है कि मैं यहाँ से रीस्टार्ट एंड रन ऑल कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर वो बीच में एरर आ गया, बट इसके ऊपर मॉडल रन हो चुका था, इसके लिए यहाँ पे ये ऐसे दिखा रहा है. सो अगर मैं रन ऑल कर दूँ तो मेरा प्रॉपर इनकोडिंग दिखेगा. नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे जैसे हम लोग ने स्लाइड्स में देखा था डेटा इनकोड होता है, एग्जैक्टली वैसे के वैसे डेटा यहाँ पे हम लोग का इनकोड हो चुका है, लाइक 010 काइंड ऑफ दैट. ठीक है, तो अब हम लोग का नेक्स्ट काम क्या होगा. तो नेक्स्ट काम हम लोग का है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि मॉडल को ट्रेन करना, राइट, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को ट्रेन करना है. तो वो मॉडल को कैसे ट्रेन करेंगे, बट ट्रेन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, मॉडल्स को स्प्लिट करते हैं. ओके, सो स्प्लिट के लिए हम लोग क्या इम्पोर्ट करेंगे, फ्रॉम एसकेलर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट. या ट्रेन टेस्ट स्प्लिट. सो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे चार पार्ट्स में, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट. आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस. सो वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट, ये चार पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे. सो व्हाट दिस मींस इज हम लोग डेटा को कन्वर्ट कर रहे हैं, एक ट्रेनिंग डेटा होगा, एक हम लोग का टेस्टिंग डेटा होगा. टेस्टिंग हम लोग टेस्ट करने के लिए यूज़ करेंगे एंड ट्रेनिंग इज़ फॉर ट्रेनिंग. ओके, सो यहाँ पे ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट. सो आई विल मेंशन द एरेज हियर. सो हम लोग का एक्स एंड वाई ये दोनों एरे है ऑब्वियसली, सो मैंने वो इंसर्ट किया. अभी यहाँ पे मुझे देना है टेस्ट साइज़, कि मेरे को टेस्टिंग के लिए कितना साइज़ रखना है. सो मैं 20% डेटा सिर्फ रखूँगा टेस्टिंग के लिए एंड बाकी मैं सब रहूँगा ट्रेनिंग के लिए. ओके, एंड यहाँ पे हम लोग को देना है रैंडम स्टेट. ओके, सो रैंडम स्टेट क्या होता है, तो रैंडम स्टेट अगर आप लोग जीरो डाल रहे हो, जस्ट लाइक आई एम एंटरिंग, सो ये जो टेस्टिंग डेटा, जो 20% डेटा, इसमें से कोई भी 20% डेटा टेस्टिंग के लिए सिलेक्ट हो जाता है, तो वो आपका सिमिलरली मेरे जैसा होगा. अगर आप ये इंसर्ट कर रहे हो रैंडम स्टेट जीरो दे रहे हो, तो अगर आपने कोई और वैल्यू दे दी तो आपको जो आंसर्स होंगे वो डिफरेंट मिलेंगे. ओके, सो एक बार इसको रन कर लेते हैं जस्ट टू चेक इफ इट्स परफॉर्म प्रॉपरली विदाउट एरर. ओके, सो इट देर इज़ नो एरर. एंड लेट्स जस्ट सी प्रिंट एक्स ट्रेन हम लोग एक बार प्रिंट करके देखते हैं. सो आई विल एंड ओके प्रिंट एक्स ट्रेन एंड प्रिंट एक्स टेस्ट, दोनों को प्रिंट कर लेते हैं. एक्स एंड अंडरस्कोर टेस्ट. ओके, लेट्स रन दिस. एंड यहाँ पे है ये हम लोग का ट्रेनिंग डेटा, यहाँ पे ख़त्म होता है और यहाँ से हम लोग का यहाँ पे टेस्टिंग डेटा शुरू होता है. ठीक है, सो अभी टेस्टिंग हम लोग का स्प्लिटिंग भी हो गया, तो अभी हम लोग का फाइनल स्टेप है जो कि मॉडल को रन करने की. सो फ्रॉम एसकेलर्न डॉट लीनियर मॉडल इम्पोर्ट लीनियर रिग्रेशन. ओके, सो ये मॉडल हम लोग का इम्पोर्ट करना है. सो रिग्रेसर इज इक्वल्स टू लीनियर रिग्रेशन. ओके, इसमें कोई भी पैरामीटर्स इंपोर्ट नहीं करने हैं बिकॉज इट विल बी रन प्रॉपरली विद दिस, सो डोंट वरी अबाउट दैट. स्किल एंड डॉट. ओके, सो वी आर डन हियर. एंड अभी हम लोग को इस मॉडल को जो है वो फिट करना है हम लोग के डेटा पे, तो रिग्रेसर डॉट फिट. सो हम लोग यहाँ पे अभी दोनों भी ये डालेंगे x अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा y अंडरस्कोर टेस्ट सॉरी ट्रेन. हम लोग को ट्रेनिंग करना है ना डेटा को, सो सबसे पहले हम लोग को एंटर करना है ट्रेन नॉट टेस्ट. एंड हियर वी गो. बट अभी
मैंने जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि हम लोग को सभी डमी वेरिएबल्स सभी डमी वेरिएबल्स यूज़ करने नहीं होते, तो पहले दो सिर्फ यूज़ करने होते हैं. ओके, बट ये जो लाइब्रेरी आप लोग यूज़ कर रहे हो ना, sklearn, ये लाइब्रेरी बहुत हेल्पफुल है. अगर आप लोग ने xtrain डायरेक्टली भी डाल रहे हो ना, तो भी ये मॉडल ट्रेन करते समय सिर्फ पहले दो कॉलम्स ही लेगी. डोंट वरी अबाउट डैट, आप लोग ट्रैप में नहीं फंसोगे. ठीक है, सो वो प्रॉब्लम कभी आती है कि जब भी आप स्क्रैच से मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म कर रहे हो ना, तभी वो आपको सिर्फ प्रॉब्लम आ सकती है. ओके, सो नाउ रिग्रेसर डॉट फिट एंड इट्स फिट. सो अभी प्रेडिक्ट करते हैं वैल्यूज एंड प्रेडिक्ट करके हम लोग स्टोर करेंगे वाई प्रेड में. सो रिग्रेसर डॉट प्रेडिक्ट, रिग्रेसर डॉट प्रेडिक्ट. सो प्रेडिक्ट किस पे करना है हम लोग को? ऑब्वियसली एक्स टेस्ट पे प्रेडिक्ट करना है ना. सो वी विल परफॉर्म द एक्स टेस्ट एंड इट्स रन. नाउ प्रिंट द बोथ रिजल्ट्स, दोनों को प्रिंट कर लेते हैं जस्ट टू चेक कि कितना एक्यूरेसी आई है हम लोग के रिजल्ट्स में. वाई प्रेड एंड वाई टेस्ट एंड लेट्स रन दिस एंड हियर वी गो. हम लोग को रिजल्ट मिल चुके हैं. सो नाउ लुक एट दिस, 1,33,015 एंड हियर इज ऑल्सो 1,03,282. सो इट्स क्वाइट एक्यूरेट, बहुत एक्यूरेसी अच्छी थी, 132 एंड 144. सो लिटिल एरर्स एंड हियर इज ऑल्सो 77 एंड 71. सो काइंड ऑफ लाइक नॉर्मली इट्स प्रेडिक्शन इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी एक्यूरेट. ओके, एंड नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे कि अगर आप लोग आपको इस रिग्रेसर का स्कोर चाहिए, सो रिग्रेसर डॉट स्कोर अप्लाई करना है. और यहाँ पे आप लोग को जो ट्रेनिंग के जो दोनों यूज़ किए थे ना आपने, वही एंटर करना है, xtrain एंड ytrain, और आप लोग को स्कोर मिल जाएगा. सो इसका स्कोर स्टोर किस में करेंगे हम लोग? इसमें. ओके, एंड इस स्कोर को हम लोग प्रिंट भी कर लेते हैं जस्ट टू चेक कि क्या स्कोर आया हम लोग के रिग्रेसर का. एंड लुक हियर, द आंसर इज 0.95%. ओके, 0.95, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनटू 100 कॉमा परसेंटेज एंड जस्ट गिव परसेंटेज इन दिस quotes, सो यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर. सो वी विल गेट द आंसर इज 95%. सो हम लोग के मॉडल की जो एक्यूरेसी है ये 95% आ चुकी है. ओके, सो गाइज यहाँ पे मैं एक और एक चीज़ करता हूँ कि यहाँ पे सपोज आप अगर एक कॉलम ओमिट कर रहे हो, लाइक सपोज ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है आप उसको ओमिट कर देते हो, तो आप लोग का मॉडल स्टार्ट होगा 1 से all. ओके, सभी कॉलम्स लोगे एक्सेप्ट द जीरोथ वन. ओके, सो ऐसे यहाँ पे मॉडल ये हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं रन कर लेता हूँ. सो मॉडल इज़ ट्रेंड एंड नाउ अगेन यहाँ पे मैं एक्स टेस्टिंग करूँगा, तो अगेन उतने ही पार्ट पे करूँगा. सो ऑल द रोज कॉमा वन एंड दिस. सो लेट्स जस्ट डू दिस. एंड अभी अब मैं यहाँ पे स्कोर कैलकुलेट करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्कोर में कोई भी चेंज नहीं आएगा. ओके, स्कोर विल बी सेम. ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर स्कोर इज स्टिल सेम. ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने जैसे बोला डमी वेरिएबल्स का एक कॉलम जो sklearn है वो बिहाइंड द सीन्स वो इसको ओमिट कर ही देता है. अगर आप 3 यहाँ पे 10 भी हो तो भी उसमें के वो 9 ही अपने आप यूज़ करेगा. ओके, सो आपको वो मैन्युअली करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो आई होप आप लोग को सभी चीज़ें समझ में आई रहेंगी. अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में मैंशन करो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज आई से. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. कीप कोडिंग.